अब एक लास्ट टॉपिक है छोटा सा, राइट। सो एम आई इन्वेस्टिंग रेशनली ऑन माई इक्विपमेंट एंड गियर परचेजेस? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये बहुत खतरनाक चीज भी है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो जो मैंने आपको दो पैकेज दिखाया था, एक 1 लाख रुपए चार्ज करने वाला पैकेज, एक 5 लाख रुपए के अंदर चार्ज करने वाला पैकेज, दोनों में आप देखेंगे कि जितने भी फोटोग्राफर और जितने भी सिनेमेटोग्राफर हैं उनकी जो मन की जो इच्छा है वो हमेशा रहती है कि मेरे पास में जो गियर है वो बहुत अच्छा वाला गियर, मैं फुल फ्रेम बॉडी ही चलाऊंगा, मैं अच्छा वाला गिम्बल ही खरीदूंगा, मैं अच्छा वाला कार्ड ही चलाऊंगा। अच्छा वाला बोल के कोई चीज नहीं होता, इक्विपमेंट सारे अच्छे होते हैं। आपको अपने बिजनेस के अनुसार वाइजली डिसीजन लेना है कि आपके बिजनेस के कॉस्टिंग के अनुसार कौन सा इक्विपमेंट सुटेबल है। आप बहुत हाई प्राइस्ड हाईली प्राइस्ड फुल फ्रेम बॉडी खरीद रहे हो और सारा पैसा बॉडी खरीदने में ही चला जा रहा है और आप चार्ज कर रहे हो क्लाइंट से 1 लाख रुपीज, तो इसमें तो बिजनेस बंद होना है और कुछ नहीं होना है। आप क्लाइंट से बहुत कम चार्ज कर रहे हो, 1 लाख रुपीज चार्ज कर रहे हो और गिम्बल खरीद रहे हो आप भयंकर वाली 1 लाख प्राइस वाली, कुछ नहीं होने वाली है। आपको वाइजली डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको एक बिजनेसमैन की तरह सोचना पड़ेगा कि ओके फाइन दिस मच आई एम चार्जिंग, सो सॉरी इतना मैं चार्ज कर रहा हूँ, तो इसके अंदर में ये इक्विपमेंट जो है ये वाइज है, ये ठीक है, इससे ज्यादा मैं अगर चला जाऊं क्योंकि ये 2 साल के बाद में तो ये भी इक्विपमेंट डैमेज हो जाएगी, तो फिर लॉन्ग रन में अगर मैं देखूं 5 ईयर्स में देखूं तो मैं 3 बार इक्विपमेंट चेंज कर रहा हूं या फिर 2 ढाई बार इक्विपमेंट, 2.5 बार तो होता नहीं है, मैं जस्ट रफ एस्टिमेट के हिसाब से कह रहा हूँ, 2 बार एटलीस्ट इक्विपमेंट चेंज कर रहा हूँ, तो मेरी एंटायर कॉस्ट जो है वो तो बहुत बढ़ जा रही है, इसलिए तो मैं पॉकेट में पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। आपको इक्विपमेंट पे बहुत वाइजली आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको फुल फ्रेम लेना चाहिए, आपको क्रॉप सेंसर में काम चलाना चाहिए, फुल फ्रेम बेसिक लेना चाहिए, फुल फ्रेम एडवांस लेना चाहिए, कौन से कैटेगरी में आपने अपने आप को रखा है, उसके बाद ही आप डिसीजन लेंगे कि आपको कौन सी इक्विपमेंट आपको चलानी चाहिए, आप इक्विपमेंट में कितने पैसे डालेंगे। आपने अपना पैकेज सेट कर रखा है, आप 1 लाख रुपीज और आप खरीदते हो मैक की पीसी, आप खरीदते हो मैक की टैब, मैक की एप्पल की वॉचेस, एप्पल की फोन, नॉट नीडेड। जितना है आपके पास में उस चीज पे आप बिजनेस कैलकुलेशन कीजिए और उस हिसाब से आप काइंडली इसे कैलकुलेट कीजिए। तो महसूस करता हूं कि जितना चीज मैंने बताया, काफी सारा चीज मैं जानता हूं कि आप लोगों को पता था, फिर भी इस तरह से मैं एक स्ट्रक्चरिंग करना चाहता था कि आप लोगों को अगर पता हो भी तो भी एक ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से दिमाग में ब्रश अप हो जाए कि आप स्ट्रांग बन सको, आप अच्छा काम कर सको, आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाओ, आप भी अपने परिवार को अच्छा से चला पाओ, आप भी अपने बाल बच्चे को अच्छा गिफ्ट ला के दे सको, आप भी अपने फैमिली को एक अच्छा सा घर खरीद के दे सको, राइट। ये अपनी मेरी तरफ से पूरी कोशिश थी, मैं शायद अपनी कोशिश में कामयाब हूँ, आप ही बता पाएंगे। नाउ ओवर टू सर, सर काइंडली टेक ओवर प्लीज। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच निकॉन फॉर अलाउइंग मी टू डू दिस। हेलो सर, हेलो। थैंक यू सो मच सर। या सोमनाथ, वी कैन हैव फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू। सर, अगली बार भी अगर आओ तो वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस के बारे में बोलना, बहुत अच्छे लग रहा है ये सर। थैंक यू सो मच फॉर द क्योंकि एप्रिसिएशन। फोटोग्राफी तो हर कोई सिखाता है लेकिन बिजनेस मॉडल कोई नहीं सिखाता है, और न्यू राइट, जनरेशन को तो बिजनेस मॉडल ही सीखना है हम लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सर लगा, एक्चुअली मेरा थैंक भी यू एक मैम फॉर डाउट है दिस। सर। सर मेरा कहने का मतलब यह है सर, एक्चुअली मैं भी अभी 2 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ, तो सर जी अब जाके मतलब काम अपना स्टार्ट किया हूँ। तो सर जी मतलब ऐसे अभी जैसे एक दो वेडिंग किया हूँ मैं, तो सर इस तरह अगर अपने से कुछ आगे करने चाहते हैं तो फिर सर क्या कर सकते हैं? एक दो आपने वेडिंग किया है, ठीक है, अच्छा बात है। उस वेडिंग में से जितने भी आपकी जो अच्छी फोटोग्राफ्स हैं उसके कलेक्शन बनाइए, पोर्टफोलियो बनाइए, राइट। अब देखिए, मैंने इसीलिए उसको, क्योंकि समय का अभाव बहुत ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं कर सकता हूँ हर एक टॉपिक पे, एक्चुअली यहाँ पे एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटा का सेशन चलना चाहिए, पर इट्स फाइन, ये शुरुआत हुआ है, मैं नेक्स्ट में भी मैं कोशिश करूंगा कि इसी टॉपिक पे हो जाए। तो आपने कुछ वेडिंग किए हैं, कुछ वेडिंग आपको करना है, आपको किसी का असिस्टेंट का काम करना पड़ेगा पहले, जो आपके शहर में अच्छा काम कर रहे हैं उनके साथ में जाइए। आप पैसों के बारे में अभी चिंता मत कीजिए, आप कुछ दिन उनके साथ में काम कीजिए, बट बी क्लियर, उनको ऐसा ओझल पे मत रखिए कि मैं आपके साथ में सीखना चाहता हूँ सर, आपके साथ में बढ़ना चाहता हूँ, और एक समय में जाके उनको धोखा दे दीजिए और उनके कंपनी छोड़ के चले जाइए। उनको पहले से क्लियरली बताइए कि सर मैं आपका कुछ दिन के लिए आपके साथ में सीखना चाहता हूँ, मैम मैं कुछ दिन आपके लिए आपके साथ में सीखना चाहता हूँ,
आप काइंडली मुझे अपने कंपनी में ले लीजिए। पर मैं आपको ये कहना भी चाहता हूं कि मैं ज्यादा दिन तक आपके साथ में काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो विजन है, अपना कंपनी खोलने का विजन है। कोई भी अच्छे फोटोग्राफर अगर होंगे, बिजनेस ओनर अगर होंगे, तो आपके इमोशन को जरूर समझेंगे और आपको मौका देंगे, राइट। और कोशिश कीजिए कि अपने फैमिली में भी जो भी आपके वेडिंग्स आते हैं उसमें से अच्छा तस्वीर निकालिए। पोर्टफोलियो बनाना पहले बहुत जरूरी है, पोर्टफोलियो जनरेट करना, राइट। प्लीज ओवर टू। सर आपका आपसे एक डिसीजन लेना था सर, अगर मैं फोटोग्राफी कॉलेज ज्वाइन करने मांगू तो क्या कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकती हो, अगर आपके पास में उतना टाइम है कि आप कोर्सेस करो, राइट। और आप अगर उस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो तो मैं बहुत ही वेलकम करूंगा उस स्टेप को कि आप पढ़ाई करो, पहले पढ़ाई करके फिर आगे बढ़ो। और अच्छा बात है, थैंक ओके सर, थैंक यू सर, आज आपका ये वेबिनार बहुत अच्छा लगा सर। यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिशिएशन। एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था श्योर। सर, जैसे जो मतलब पहले क्वेश्चन किए थे उन्होंने बताया कि वो ऑलरेडी दो वेडिंग कर चुके हैं। पहले जो मतलब वेडिंग करते हैं हम लोग, तो वो सब हम लोग जैसे फ्रीलांसिंग में ही करते हैं एक्चुअल में। तो फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि कभी कभी जो आप बता रहे थे पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए, तो कभी कभी होता है कि जो जिसके अंडर में हम लोग काम करते हैं तो उसका जो फोटोज वगैरह है उसका मतलब हम लोग पास उसका कॉपीज नहीं रहता और वो लोग प्रोवाइड भी नहीं करते कभी कभी उसका, उससे हम लोग पोर्टफोलियो भी कभी कभी बना नहीं पाते। तो इसका मतलब इस प्रॉब्लम से कैसे हम लोग निकल सकते हैं फिर? देखिए, यहाँ पे जितने भी बिजनेस ओनर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनसे भी मैं एक चीज कहना चाहूंगा, बिकॉज दिस आई हैव बीन डूइंग बिफोर, इवन आई वाज नॉट प्रोवाइडिंग द इमेजेस टू माय फ्रीलांसर टीम। दो मेरी जो टीम है वो 90% टीम इन हाउस ही रहती है, मैं फ्रीलांसिंग सर्विस पे बहुत ही कम निर्भर रहता हूँ। फिर भी शुरू शुरू में ऐसा लगता था क्योंकि मैं भी नहीं समझ सकता था, पर आपको उनका जो आर्ट वर्क है, उनका आर्ट वर्क का कॉपीराइट उनके पास ही रहना चाहिए। उन उसमें से जितने भी पिक्चर्स वो चाहते हैं, सारे नहीं तो कुछ पिक्चर्स आप उनको देना चाहिए आपको, क्योंकि उनका वो वर्क है, उनका आर्ट है। एक तस्वीर अगर एक पेंटर बनाता है, सारा जीवन उसका जो कॉपीराइट रहता है उसके पास ही रहता है। वो जनरली परचेजर उसको परचेज करके ले जाते हैं और वो पर्टिकुलर पेंटिंग दोबारा कभी नहीं बनाता, राइट। सो यहाँ पे भी सेम चीज ही होता है, जो भी फ्रीलांसर अपने आर्ट को कर, आज के दिन में मैं कंपनियों का नाम नहीं लूंगा, पर जितने भी बड़े कंपनी हैं हमारे नेशन में और वर्ल्ड वाइड, आप देखेंगे कि उनकी कंपनी है और कंपनी के जहां पे भी इंस्टाग्राम में जब पिक्चर पोस्ट होती है, क्लिक बाय क्लिक बाय क्लिक बाय हमेशा रहती है। ये चीज करना चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी इसलिए है क्योंकि आपकी टीम आपके साथ में है। आपकी टीम आपके साथ में नहीं है तो आपकी कंपनी भी नहीं है। सो बिजनेस ओनर्स, काइंडली इस चीज को आप पॉजिटिवली लीजिए, और मुझे लगता है कि मतलब आपको उनको पिक्चर्स देना चाहिए। सर क्लाइंट कई बार अलो नहीं करता है कि हम उनकी पिक्चर्स पोस्ट करें अपने इंस्टाग्राम पे। क्लाइंट अलाउ नहीं करती हैं? यस सर। अच्छा, क्लाइंट एक्चुअली बहुत साल पहले ऐसा होता था, पर अभी तो मैं नहीं समझता हूँ कि क्लाइंट अलाउ नहीं करती है। तो ठीक है, ओके, आउट ऑफ 10 क्लाइंट हो सकती है कि 2 क्लाइंट अलाउ नहीं करती है, बाकी तो अलाउ करती है। जिनकी जो अलाउ करते हैं उनकी ही आप पोस्ट करो। देखिए, एक वेडिंग के दौरान सिर्फ आप एक फोटो तो नहीं खींचते हो, आप बहुत सारे फोटो खींचते हो, राइट। आप बहुत सारे फोटो खींचते हो तो आपको एक ही वेडिंग से बहुत सारे फोटोज हैं, और एक ही वेडिंग से बहुत सारे फोटोज को पोस्ट करने का तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा। कि आप एक समय एक सीरीज बना रहे हो इमोशन को लेकर के, एक समय एक सीरीज बना रहे हो प्री वेडिंग को लेके, एक समय एक ब्राइडल को लेकर सीरीज बना रहे हो सकता है दो वेडिंग से ही वो सीरीज हो, राइट। तो जो चीज लाइफ में नहीं मिल रही है उसके बारे में आप सोचना छोड़ दो, जो चीज है आपके पास में वही आपका मजबूती है, वही आपका ताकत है, आप उस चीज को पकड़ के आगे चलो, ठीक है। थैंक यू पहले सर। जो एक्सक्यूज यस यस प्लीज, सर, आपने जैसे बताया कि क्रेडिट देना चाहिए, बट उससे हमारी प्राइवेसी को भी थोड़ा सा हो सकता है नुकसान। कैसे प्राइवेसी को नुकसान हो सकता है, कुड यू प्लीज इलाबोरेट। जैसे सर मार्केट में हमारे कॉम्पिटिटर हो गए तो उन्हें भी जैसे पता चले। यस यस यस, दिस इज द थॉट, दिस इज द थॉट दैट इज डिस्ट्रॉइंग डिस्ट्रॉइंग आवर इंडस्ट्री एक्चुअली। सो सॉरी टू यू पुनीत, नॉट टारगेटिंग यू, इस चीज को पॉजिटिवली लीजिएगा, नो नो ठीक है। सर, दैट्स माय यस यस, थिंकिंग। आप यस, ये थॉट प्रोसेस अक्सर बहुत सारे लोगों में देखा जाता है एक्चुअली। ये थॉट प्रोसेस होने के पीछे में भी कारण है, हिस्ट्री है इसके पीछे में एक्चुअली। कॉम्पिटिटर बोल के आर्ट में कुछ नहीं होता। मैंने अगर मैं अपना हिस्ट्री अगर बताऊं, मैं 2012 में इस इंडस्ट्री में आया था, 2012 के एंड में। मैंने आज तक कभी भी
मार्केट में उतर के देखा नहीं कि कौन कितना चार्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, उसने मुझसे क्या सीखा। बल्कि यहाँ पे मैंने ऐसा कल्चर डेवलप करने का कोशिश किया है कि लोग मुझसे सीखें, मुझसे कुछ पाएं। उनको अगर मेरा प्री वेडिंग का फोटो देख करके अगर कुछ सीखना है तो मैं उनको सिखाता हूँ। वहां वहां पे क्वेश्चन डालते हैं, उनके साथ में भी रिलेशन अच्छा है। वही यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता। एक पेंटर मानो, ठीक है, मैं आर्ट को एक डायरेक्टली आर्ट कहने से हम पेंटिंग समझते हैं, एक पेंटर को दूसरे पेंटर के साथ में कम्पीट करते हुए कभी देखे हो? नो सर सर। सर क्लाइंट हमेशा कंपेयर प्राइस से कंपेयर करता है, क्वालिटी तो है ही है सर, क्लाइंट प्राइस से मेनली कंपेयर करता है कि प्राइस किसका कम मिल रहा है मेरे को। एक मिनट पुनीत का मैं पहले आंसर दे देता हूँ, ठीक है, आई विल कम बैक अगेन, ठीक जी है। सर। सर मैं एक चीज और इसमें ऐड करना चाहूंगा। जैसे अभी मैं किसी फ्रीलांसर को हायर करता हूँ अपनी वेडिंग करवाने के लिए, ठीक है, ओके, जैसे कैंडिडेट के लिए मैंने किसी को हायर किया और मैं उसका क्रेडिट देता हूँ अपने इंस्टाग्राम पे, तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो उसका भी सर्च करेंगे, तो उससे फिर उसके पास भी क्लाइंट जाने का रहता है कि वो भी अपना कम रेट ये उनको सारी बता के क्लाइंट मैं समझ ले गया। जा सकते हैं। जी। हाँ तो आपको डर लगता है, आपको डर लगता है कि आपके जो फ्रीलांसर हैं आपसे स्ट्रांग है? मैं क्वेश्चन आपसे ही पूछना चाहता हूँ। नहीं आपको सर, अपने काम पे बट भरोसा नहीं है? कुछ नहीं नहीं सर, बट प्राइस के मामले में थोड़ा सा हो जाता है कि क्लिक तो इसी नहीं नहीं की होता थी, है, नहीं। तो क्वालिटी तो हमें सेम ही मेरा मिलनी आपको है। शेयर कर रहा हूँ बहुत ही ब्रॉड एक्सपीरियंस है, विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है, मैं जानता हूँ, क्योंकि यही माइंडसेट से हमारी इंडस्ट्री चल रही है, इस माइंडसेट से निकलना पड़ेगा, जी राइट। सर। जी जी अभी मैं आपको पेंटिंग का एग्जांपल दे रहा था पहले, कि जी सर एक पेंटर ने 2000 रुपीज की कैनवास खरीदी, उसपे 50 रुपीज की पेंट से पूरी पेंटिंग कर डाली, और एक पेंटर है जिसने 20,000 की कैनवास खरीदी, उसके ऊपर में 30,000 की पेंटिंग खरीदी, उसने भी पेंटिंग कर डाली, पर जी बेचने के समय में जिसने 2000 में कैनवास खरीदी थी उसकी ज्यादा प्राइस में बिक्री हुई, और जिसकी 30,000 में जिसने कैनवास खरीदी थी उसकी कम दाम में पेंट सेल हुई। कारण क्या है पुनीत, बताइए। आई थिंक उसकी उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी पेंटिंग, होगी। यस, उसकी पेंटिंग अच्छी थी, उसकी इन्वेस्टमेंट और उसकी स्ट्रक्चरिंग में कोई नहीं, क्वालिटी क्वालिटी भी अच्छी है, क्वालिटी। भी, यस। सर कैन आई ऐड दिस, मतलब मैं क्या कुछ ऐड कर सकता हूँ पुनीत के हाँ हाँ सॉरी, बाद। प्लीज 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 सॉरी। एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग छोटी जगह से बिलोंग करते हैं, वहां पर अभी जो आप बोले ना कि हर कोई DSLR खरीद रहा है और वेडिंग बिजनेस में उतर रहा है, एक्चुअली प्रॉब्लम वहीं पर हो जा रहा है, वो लोग का इसीलिए कोई। हाँ हाँ बताए बोलिए। बताए बताइए। हाँ एक्चुअली उसमें प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि अगर मैं सब कुछ जानबूझ के एक पैकेज किसी क्लाइंट को दे रहा हूँ, उसमें से मैं मेरा टीम का बोथ साइड वर्क में मेरा 5 या 6 लोग है, उसमें से 4 मेरे टीम का है और 2 फ्रीलांसर है जिसको मैं कैंडिड या वाइड के लिए रखा हूँ, ठीक है। अब बात है कि मैं जब क्लाइंट को एक बजट दे रहा हूँ, क्लाइंट मार्केट वैरी कर रहा है, इनसे पूछ रहा है, उनसे पूछ रहा है, इनसे पूछ रहा है, फिर उन लोगों को क्वालिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उन लोगों को चाहिए कि कम में मेरा काम हो जाए। जैसे मैं एक छोटी सी जगह, मतलब आप जैसे सिलीगुड़ी से बिलोंग करता हूँ, मैं पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ। मैं लगभग वेडिंग में 4-5 साल से हूँ यहाँ पर। जब मैंने स्टार्ट किया था तब 2-3 शायद स्टूडियो होगा पुरुलिया में, अभी टीम बोल के मैं ही था क्योंकि मैं सीख के आया था, फिर मैंने स्टार्ट किया, अभी तो यहाँ 10-12 टीम काम कर रहा है। तो राइवलरी बहुत ज्यादा बढ़ गया है यहाँ पर ओके सोभी, क्योंकि यस मैं समझ गया, ठीक है। सभी जगह पे यह चीज चल रहा है, और इसका चलने का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? यूनिटी नहीं है हम लोगों में, आप लोगों में, हाँ ठीक। ये तो सही बात जी है। सर। हाँ अभी थोड़ी देर के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें क्या है कि जिस मुहिम में मैं चल रहा हूँ वो मुहिम लगभग माउंटेन तोड़ने जैसा ही है, और इंडस्ट्री को मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ और अपने तरफ से बनाना चाहता हूँ कुछ इस तरह की जिस तरह से वेस्टर्न कंट्रीज में चलती है, और इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ, इनिशिएटिव मुझ जैसे और भी इंसान ले रहे हैं, और आप लोग जैसे इंसान अगर एक साथ में जुड़ेंगे तो सारा इनिशिएटिव सक्षम हो सकता है एक समय के बाद में, क्योंकि हमको काम सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए भी करना है। तो सौभिन आपका जो प्रश्न था ना, ये जो भी कुछ आपने बताया मैं समझ गया वो सारा चीज को, वो बिजनेस मेंटालिटी एंड स्मॉल मेंटालिटी,
मैंने शुरुआत में जो आपको एग्जाम्पल दिया था कि दो पेंटिंग एक कम खर्चे में की गई, एक ज्यादा खर्चा में किया गया, पर कम खर्चा जिसमें लगाया गया था उसका पेंटिंग बहुत अच्छा दाम में बिका क्योंकि उसका आर्ट अच्छा था। देखिए एक्चुअली हम और आप क्या कर रहे हैं, अपने आर्ट के ऊपर में भरोसा नहीं कर रहे। आपको पता नहीं है कि आपके आर्ट में कितना दम है और इसका फायदा कौन उठा रही है, आपकी क्लाइंट उठा रही है। और इसका फायदा कैसे नहीं उठाया जा सकता है पता है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। आप लोग सारे लोग सैलून में जाते हो राइट, सैलून में जाके आप हेयर कट करते हो है ना। हेयर कट जब करते हो तो कैटेगरी वाइज अलग अलग सैलून होती है, एक एसी वाली होती है, एक नॉन एसी वाली होती है, एक सड़क के ऊपर में होती है। तब आप पर आप एक चीज आप देखोगे ना कि वो सारे सैलून में एक चीज होती है, वो है प्राइस का डिसिप्लिन राइट। अब प्राइस का डिसिप्लिन कैसे होता है कि एसी वाले कैटेगरी में उन लोगों का, हर एसी कैटेगरी का प्राइस अपना होता है। अब जो एक स्टैंडर्ड लेवल में है नॉन एसी, वो लोग अपना स्टाइल से हेयर कटिंग का प्राइस लेते हैं। ये सुन के आपको एक अजीब लग सकता है कि कहाँ हेयर कटिंग और कहाँ मैं फोटोग्राफी को जोड़ रहा हूँ, पर ये पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर में एक यूनिटी होता है। यूनिटी इस तरह का होता है कि वो लोग समय टू समय एक्सक्यूज मी मीटिंग करते हैं, कहते हैं कि थर्सडे को हर जगह सैलून बंद रहेगा, जैसे हमारे जगह पे थर्सडे को सैलून बंद रहता है। ये सारे जो मीटिंग के दौरान जितने भी डिस्कशन होते हैं और जो भी डिसीजन होते हैं उसको वो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अभी एक चीज और कंटिन्यू करना है, इसको वेडिंग के साथ में कैसे जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपके शहर के अंदर में भी एक एसोसिएशन है, ठीक है, एक एसोसिएशन नहीं है तो आपने उस एसोसिएशन को फॉर्म किया। एसोसिएशन को जब आपने फॉर्म किया तो एक बॉडी इस तरह से डेवलप किया गया कि ठीक है ओके, हम तीन कैटेगरी की यहाँ पे वेडिंग फोटोग्राफी सर्विसेज ये करेंगे, डिफाइन करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी की सर्विस ऐसी होगी जहां पे 1 लाख रुपीज चार्ज करने वाले जाएंगे, क्योंकि आप खुद जानते हो कि आप किस कैटेगरी में कॉल करते हो तो आप समझ जाओगे। एक कैटेगरी ऐसी होगी जो 5 लाख चार्ज करने वाले जाएगी, थर्ड में होगी जो 5 लाख अबव चार्ज करती है वो जाएगी, ठीक है। अब कैटेगरी डिविजन हो गई। क्लाइंट को जब आप कोटेशन दे रहे हो और आपके एसोसिएशन में भी आपने डिसीजन ली कि ये जो 1 लाख के कैटेगरी में जितने भी लोग ज्वाइन किए हैं इनका टारगेट है दे कैन चार्ज फ्रॉम 80,000 to 1 लाख रुपीज, इसी के बीच में वो उनको प्राइसिंग करना है। अगर बहुत दिक्कत हो रही है तो एक्चुअली ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं जानता हूं इस बात को, ये दूसरा टाइप का बिजनेस है। और जो लोग 5 लाख के रेंज में है उनको भी डिसीजन लेना पड़ेगा कि योर ये है कि 4.5 to 5 लाख रुपीज आपको चार्ज करना है, एंड 5 लाख से अबव का अलग बात है, उनका भी उस टाइप से एक डिफाइन कर दिया। अब क्या होगा, क्लाइंट के पास में एक ही कोटेशन भेजना है, एक ही कोटेशन ऊपर में लिखा रहेगा ऑफ योर टाउन, सपोज सिलीगुड़ी और पुरुलिया, पुरुलिया सपोज और एनीवेयर, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, पुरुलिया समथिंग एसोसिएशन, एंड कोटेशन सेंट बाय योर कंपनी का नाम। जैसे मैं ड्रीमलेंस से बिलोंग करता हूं तो सिलीगुड़ी वेडिंग फोटोग्राफी एसोसिएशन नीचे में लिखा गया ड्रीमलेंस फिल्म्स एंड फोटोज, कोटेशन सेंट बाय ड्रीमलेंस फिल्म्स एंड फोटोज। अब जब क्लाइंट जब देखेगी कि मैं 5 जगह से कोटेशन मंगा रहा हूं पर कोटेशन तो सेम ही आ रही है, तो वो फर्स्ट काम क्या करेगी, वो देखेगी सब 5ों में से क्वालिटी किसकी अच्छी है। हमेशा आपको क्वालिटी पे ही ध्यान देना है। आप जिस तरह से बिजनेस सोच रहे हो वो बिजनेस लूजली सोचने का तरीका है, वो बहुत ही छोटे तरीके से बिजनेस सोचने का तरीका है, उसको ब्रॉड करना पड़ेगा, आपको क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। मैं अपना अगर एक्सपीरियंस बताऊं, 2012 के बाद में, 2012 आई स्टार्टेड चार्जिंग फ्रॉम 70,000 रुपीज, 70,000। उससे पहले एक्चुअली और भी मैं वो स्टोरी इंटरेस्टिंग है, मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने शुरुआत की थी 10,000 रुपीज, देन 20,000 रुपीज। मुझे लगता था कि 45,000 में चार्ज कर लूंगा मैं ना एक वेडिंग का, तो बाप रे बाप मैं तो बहुत कमा लूंगा। पर एक साल के अंदर में क्योंकि मेरा क्वालिटी अच्छा था, क्लाइंट खुद ने मुझे 1.5 लाख रुपए तक पहुंचा दिया, और आज नियरली वी आर चार्जिंग अराउंड 5 लाख रुपीज इन आर टाउन। ये सिर्फ कंपटीशन और उसके वजह से नहीं हुआ है, ये हमारी क्वालिटी अच्छी थी, हमने क्लाइंट के साथ में अच्छी हैंडलिंग की, अच्छे बर्ताव किया। क्लाइंट कभी भी ये नहीं चाहेगी कि, क्लाइंट तो हमेशा चाहेगी कि आप कम से कम में उनको सर्विस प्रोवाइड करो, पर एट द बैक ऑफ द ब्रेन वो हमेशा देखती है कि आप कितना अच्छा सर्विस उसे प्रोवाइड करते हैं। आप एक काम करो ना, आप एक काम करो 20,000 में सबसे कम में लेकर के वेडिंग उसको करके दे दो और बकवास सा करके दे दो, वो क्लाइंट क्या आपको गाली नहीं देगी, देगी जरूर देगी। इसीलिए आपको दूसरे के साथ में कंपटीशन ना करके खुद के साथ में कंपटीशन करना पड़ेगा कि कल मैंने कितना अच्छा काम किया था उससे मैं आज कितना बेहतर कर सकता हूं। तब आप देखोगे कि कभी भी आप पीछे नहीं जाओगे, कभी भी नहीं जाओगे। मैं भी नहीं गया हूं, प्लीज कंटिन्यू। सर
मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आपने जो एक बताया था कि मैं इस सेशन में कि वेडिंग फोटोग्राफी पैकेजिंग में जो टोटल इक्विपमेंट प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल प्लस होते इनकम इनकम, ये जो कॉम्बिनेशन आपने बताया ये थोड़ा सा मैंने समझ में नहीं आया कि 5 ईयर को देकर जो डिवाइडेड करने के लिए बोला था वो थोड़ी मेरे समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, थोड़ा देर के लिए 5 ईयर्स को छोड़ देते हैं, ठीक है हम 1 साल को लेते हैं। 1 साल में आप हर महीना, आप छोड़ दो कि आप क्या वेडिंग फोटोग्राफी करते हो वो भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आपका तो कुछ खर्चा है राइट, आप उसे पकड़ो कितना खर्चा है आपका। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप देखो कि कितना महीना में कितना रेस्टोरेंट में जाते वक्त खर्च करते हो उसे देखो। आप कहीं पे LIC करते हो, वो LIC आप कितने पैसे का करते हो उसे भी एक खाता में लिख लो। पूरा लिस्ट बनाओ कि आपका एक्चुअली महीना में एक खर्चा कितना है और साल में आपका खर्चा कितना है, ये सारा चीज का लिस्ट बनाओ आप। आप और कैलकुलेट करो कि जैसे आप नौकरी करते तो आपको 30,000 सैलरी चाहिए था, 40,000 चाहिए था, 60,000 चाहिए था, तो आपको अभी सैलरी कितना चाहिए वो भी आप कैलकुलेट करो। वो सारे चीज को ऐड करो ठीक है, वो सारे चीज को ऐड करने के ओके बाद, ठीक है वो सारे चीज को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आता है वही है आपका वेडिंग फोटोग्राफी का पैकेज, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आप ओके ऑल्टो 800 लेना चाहते हो तो आप ऑल्टो 800 का जो आपको जितना सेविंग करना पड़ेगा ऑल्टो 800 लेने के लिए उसको 1 महीना में आप डिवाइड करके उसको ऐड कर दो वहां पे। आप अगर i10 लेना चाहते हो तो उसका जो EMI होगा उसको ऐड कर दो। ये सारा चीज ऐड करने के बाद जो बनता है वो है आपका वेडिंग फोटोग्राफी का पैकेज। आज के दिन में आप दूसरे के साथ कंपटीशन करने के लिए आप 50,000 रुपीज में आप काम कर दिए जहां पे आप 1 लाख में करते थे। एक मान लेता हूं, मैं एक हिसाब लेके चलता हूं, 50,000 में आपने कर दिया, नुकसान किसका हुआ? आपका हुआ। और नुकसान हर एक बंदे का होगा जो लोग भी प्राइस पे कंपटीशन करेंगे। आज जितने लोग भी यहाँ पे अभी तक जुड़े हुए हैं मैं उनको ये चीज बताना चाहता हूँ, दिमाग में छाप के रख लीजिए, प्राइस पे कंपटीशन मत कीजिए, अपना क्वालिटी को बढ़ाइए, क्लाइंट को नो बोलना सीखिए, क्लाइंट को नो बोलना सीखिए कि नहीं मैं आपका काम इतना से कम में नहीं करूंगा। आपका क्लाइंट और आप अपने सर्विस को बहुत उम्दा से उम्दा बनाइए, अपने आर्ट को बहुत ही अच्छा बनाइए, क्लाइंट किसी भी तरह से आपके पास में आएगी, किसी भी तरह से आएगी ही आएगी। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि लोग आर्ट में, हाँ एक आध क्लाइंट हो सकते हैं जिनको प्राइस ही मैटर करता है। आज के दिन में मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ इस चीज को, मैं तो सिलीगुड़ी कितना ही बड़ा शहर है, बड़ा है आपके कंपेरिजन में हो सकता है, पर ऐसा भी बड़ा नहीं है कि यहाँ पे बहुत सारे चीज हो रहे हैं। यहाँ पे भी आप अगर देखोगे आज के दिन में तो 150 कंपनियां हैं, पर मैंने कभी भी कंपटीशन के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं अपने क्वालिटी के बारे में सोचता हूँ, अपने डिलीवरेबल्स के बारे में सोचता हूँ, अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में सोचता हूँ, मैं क्लाइंट को क्या दे रहा हूँ उसके बारे में सोचता हूँ। क्लाइंट हमेशा मेरे पास में आती है। एक उस पर्टिकुलर घर में अगर एक शादी मैं कवर कर दूं, नेक्स्ट वेडिंग हमें मिलती है 80% ऑफ द टाइम, एज बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, जितना हमारी तरफ से पॉसिबल होता है। क्लाइंट के साथ में भी हम अच्छा रिलेशन बनाकर रखते हैं, कभी भी लोग दूसरे के पास में नहीं जाते। दिस इज हाउ इट गोज। प्लीज सर यस सर, आपने बता अच्छा पुनीत यू कैन गो अहेड। ओके थैंक यू सर। आपने बताया कि आपका ऐसा लाइव सेशन चलता रहता है यूट्यूब पे, ऐसा ही था एक्चुअली। तो उसका यूट्यूब पे आपका कैसे क्या है कुछ नहीं, आप चैनल? जाइए यूट्यूब पे जाइए और ड्रीम लेंस फिल्म्स एंड फोटोज नाम करके आप सर्च कीजिए। चैनल पुरानी वाली अभी बंद हो चुकी है, नई चैनल में आप ज्वाइन कीजिए, वहां पे 2-3 वीडियोस होंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट वीक में और कुछ वीडियोस जा रही हैं, ठीक है। ड्रीम लेंस फिल्म्स एंड फोटोज, ड्रीम लेंस फिल्म्स एंड फोटोज सर्च करेंगे आपको हमारा लोगो दिख जाएगा। गूगल में थैंक भी यू सो आप सकते हैं, मच। थ्रू गूगल भी आप जा सकते हैं, वी आर वेरी एक्टिव ऑन गूगल ऑल्सो। ओके थैंक यू सर। वी हैव हेलो सेंट यस वी हैव सेंट ऑल द लिंक्स, ड्रीम लेंस सर के सारे लिंक्स आज इनवाइट में भी आपको आए हैं, तो अगर आप अपना मेल चेक करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब तीनों के लिंक मिल जाएंगे उसमें। ओके सर थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सर। हेलो सर। हेलो सर। यस सोमनाथ, प्लस फर्स्ट हाँ सर, सोमनाथ। मैं बोल रहा हूँ कि मुझे जितना समझ में आया आपके सेशन देखने के बाद कि बिजनेस और आर्ट का बैलेंस बना के रखना होगा बिल्कुल बिल्कुल, और क्लाइंट को भी एडुकेटेड करना होगा कि मैं एक्स्ट्रा क्यों हाँ चार्ज ये करूँ, सबसे बड़ा चीज है, ये वर्ड आपने जो इस्तेमाल किया है, क्लाइंट को एडुकेट करना। क्योंकि मैं जब मैं एक्स्ट्रा क्यों मांग रहा हूँ। यस
अब आप सोचोगे, एक और सिंपल सा चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, मैं अक्सर देखता हूँ लोग डरे रहते हैं और कहते हैं कि क्लाइंट को के घर में ही मुझे अपने सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए जाना है। जब वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस को बुकिंग के बारे में जब बात आती है, क्लाइंट आपको आसानी से अपने घर में बुला लेती है और आप घर में बैठ के उनके साथ में बिजनेस डिस्कस करते हो, उनके चाची जी, उनकी दादी जी सब आपको फोटोग्राफी सिखाती है, राइट? सो मैं कभी भी ये चीज फॉलो नहीं किया मैंने आज तक। मैं अपने क्लाइंट को, मैं चाहता हूं कि वो मेरे ऑफिस में आए। बहुत समय काफी मजबूरियां रहती हैं कि ओके फाइन, जो शायद जिनके 10 बार आज तक हुआ होगा इतने 9 सालों में। आई वॉन्ट माई, सो अपना जो बिजनेस का जो स्ट्रेंथ है वो आपको पहले बनाना पड़ेगा, दो बैलेंस को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। और जब मेरे टेबल पे मेरे क्लाइंट बैठती है तो आधा चीज मेरा होता है पहले से। जब मेरे टेबल पे, आप जब उनके टेबल पे हो तो आपका पलड़ा भारी नहीं है, उनका पलड़ा भारी है। और आपके टेबल पे अगर वो बैठे हुए हों तो मेरा पलड़ा भारी है उनके सामने, राइट? और क्लाइंट जब मेरे सामने में जब बैठी है, सॉरी, क्लाइंट जब मेरे सामने में बैठी है, मेरा ये बहुत ही अनिवार्य होता है कि भले ही वो मुझसे बुकिंग ना करे, मेरे से काम ना करे, पर दो चीज मुझसे फोटोग्राफी के बारे में सीख के जाए। फोटोग्राफी की टेक्निक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पर ये इंडस्ट्री कैसे चलती है उसके बारे में। शुरू शुरू में बहुत दिक्कत होती थी, लोग कहते थे कि कोई तो 1 महीना में डिलीवरी देती है। मैं कहता था, क्योंकि हमारी डिलीवरीबल्स की टाइम है 4 to 6 months, राइट? हमारी कोटेशन में ही मेंशन है वो। हिम्मत करके इस चीज को मेंशन करना भी बहुत जरूरी है। आज के दिन में बड़े कंपनियों के वेबसाइट में आप देखोगे तो उनकी फिल्म्स 1 साल में रिलीज होती है, वो लिखा हुआ है वहां पे। आप और हम तो बोल भी नहीं पाते। यस प्लीज सोमनाथ, यू आर कुछ बोल रहे थे। नहीं नहीं, इतना ही था। और सर थैंक यू फॉर दिस सेशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और आप सर अगली बार भी इसी तरह के टॉपिक लेके आना और यूट्यूब में भी थोड़ा वीडियो डालना। आपका हिंदी बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी बोलते हो। ये तो थोड़ा सा पहली बार किसी ने मेरे को बोला है कि मेरा हिंदी एक्चुअली में अच्छा नहीं है, बिकॉज आई बिलोंग टू हिल्स एंड मेरी अगर मदर टंग वैसे मैं बिहारी हूँ और मेरी मदर टंग हिंदी है, पर हिल्स से मैं बिलोंग करता हूँ तो मेरी मदर टंग मेरी नेपाली हो गई है और मैं सिलीगुड़ी में रहकर बंगाली भी जानता हूँ। उसके लिए आपने एक बेसिक रूल भी दिया कि द कॉस्ट ऑफ योर इक्विपमेंट्स प्लस योर इनकम। तो माय क्वेश्चन इज कि वो दैट विल गेट यू टू अ बेसिक पैकेज, बट इफ यू वांट टू केटर टू अ लार्जर ऑडियंस, isn't it better to have multiple packages, as in 1 lakh ka package, fir 2 lakh ka package? No, then... it will confuse your client. It will confuse your client. Stick to one, or at most two, right? With us, if you say, अगर हमारी अगर बात की जाए, तो हम दो package client को दिखाते हैं. One is both side full HDB with full HD video, entirely same. Other is both side with 4K videos, right? Entirely same. बाकी सर्विसेज, एल्बम डिलीवरेबल, सब कुछ एक होती है, सिर्फ वीडियो का रेजोल्यूशन अलग होने के कारण पैकेज में डिफरेंस आता है, बस इतना ही चीज है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है इतना दिन तक कि अगर आप क्लाइंट को पैकेज पैकेज पैकेज, क्लाइंट के पास में समय कहाँ है कि वो स्क्रॉल डाउन करके आपके पूरे कोटेशन पढ़े। क्लाइंट बस स्क्रॉल डाउन करती है, उनको जो दिख गया ओके, इतना चार्ज करता है, क्या लेता है क्या नहीं लेता, उससे क्या देगा, उससे कोई मतलब नहीं रहता उनको। पहले बहुत सारे क्लाइंट होते हैं, वो देखते हैं नीचे में कितना चार्ज कर रहे हैं, ओके फाइन, देन वो दे कम की ओके फाइन, ऊपर में क्या है, दैट इज सेकेंडरी, राइट? सो पैकेज में ज्यादा आप 2-3 टाइप्स का वेरिएंट्स रखोगे, इससे कंफ्यूजन होगा और कुछ नहीं होगा। ओके, और मेरा सेकेंड क्वेश्चन था कि आप इस इंडस्ट्री में काफी टाइम के लिए रहे हो, तो ऐसा कभी हुआ है कि योर क्लाइंट इज इन सैटिस्फाइड विद योर वर्क एंड उसने आके आपको बोला कि आई एम नॉट हैप्पी विद दिस? सैटिस्फैक्शन ये रिलेटिव चीज है, राइट? शादीशुदा हूं? नहीं सर, मैं 19 इयर्स का हूं। गर्लफ्रेंड जरूर होगी, मैं गर्लफ्रेंड है मान के चल रहा हूँ, ठीक है? तो गर्लफ्रेंड भी एक दिन सैटिस्फाइड रहती है, दूसरे दिन सैटिस्फाइड नहीं रहती है।
एक दिन बीवी भी सेटिस्फाइड रहती है, सेकंड दिन नहीं रहती है, राइट? सेटिस्फेक्शन बहुत ही रिलेटिव चीज है। सेटिस्फेक्शन आप देने का कोशिश करो, आप जिस दिन सेटिस्फाई करने का कोशिश भूल जाओगे उस दिन आप हारोगे। आप अपने तरफ से 200% दो, राइट? आपकी क्लाइंट ऑटोमेटिकली 90% आपको सक्सेस मिलेगा। 10% लोग ऐसे होते हैं जो सेटिस्फाई किसी भी तरह से नहीं हो सकते। ये सबने झेला है, मैं भी झेला हूं, होता है ऐसा, पार्ट्स एंड ओके पार्सल सर। सप्लाई। सर और एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, और वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बेसिक स्किल तो आपको फोटोग्राफी आनी चाहिए, बट बिसाइड्स दैट व्हाट ऑल सॉफ्टवेयर्स आनी चाहिए, लाइक वीडियो एडिट करने के लिए वीडियो एडिटिंग, फिर ग्राफिक डिजाइन, ऐसे ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर्स आने चाहिए? ऑफ कोर्स, अगर आप लिमिटेड स्टॉक्स में आप काम करना चाहते हो, ऑफ कोर्स यू नीड टू नो फोटोशॉप एंड लाइट रूम, राइट? एंड बेसिक्स में आपको प्रीमियर प्रो, इतना तो आपको आना ही चाहिए। बाकी अगर ओके, आपको तीन फोटो सॉफ्टवेयर। खींचना आता है और फोटो समझना आता है एंड यू नो कि पोस्ट प्रोसेसिंग के बाद उसमें क्या हो सकता है, पर आपको सॉफ्टवेयर चलानी नहीं आती है, तो ऑफ कोर्स यू नीड टू यू हैव टू टेक हेल्प ऑफ थर्ड पार्टी स्टाफ। मे बी जो एडिटर हैं वो आपके ऑफिस में बैठते हैं और वो हमेशा आपके फोटो फोटो एडिट करके आपको देते हैं। काफी कंपनीज ऐसे भी चलती है। सर अगर हम ओके okay. एल्बम भी डिजाइन करने मांगते हैं तो सर उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर सही रहेगा? एक पिक्सेलो बोल के सॉफ्टवेयर है जो मैं यूज करता हूँ, जी पिक्सेलो। पिक्सेलो। यस ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर फॉर योर या थैंक यू सर टाइम वन सर। मोर क्वेश्चन सर। हेलो यस सर, आयुष। वन मोर क्वेश्चन। ऑल राइट, आई एम लास्ट क्वेश्चन। आस्किंग, यस सर लास्ट सर, आई एम आस्किंग दैट हियर वेयर आई एम इन बर्धमान, बट हियर द कस्टमर्स आर सो पुअर दैट दे कैन नॉट अफोर्ड सो मच ऑफ पैकेजेस। ठीक है, मैक्सिमम दे कैन हायर 20 अप टू 25,000 एंड 30,000 एंड 50,000 मैक्स। हो सकता है, हो सकता है। सी, अफोर्डेबिलिटी भी जो चीज है ना, ये भी रिलेटिव है। आज तक मेरे शहर में, मैं हिंदी में ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, आज तक मेरे शहर में कुछ कैटेगरी ऑफ पीपल दे यूज टू इन्वेस्ट टू मच ऑन वेडिंग फोटोग्राफी बिकॉज दे वेर टॉट प्रॉपरली एंड दे वेर अवेयर की अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर्स को अगर हम अच्छा पैसा दें तो हमें क्या क्वालिटी मिलेगा। धीरे 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 बाकी क्राउड का भी टेस्ट बदलता है और वो पैसा जो चार्जेस हैं उसका जो पैकेज है उसको हर साल इम्प्रूव करना भी हमारा काम है, राइट? सो आपकी क्वालिटी अगर बहुत ही अच्छी हो, आप नेक्स्ट टाइम अगर एक क्लाइंट, सपोज मान लीजिए कि एक्स एक भाई है, उसका शादी आपने कवर किया है, उसका वाई बहन है जिसका शादी होने वाला है, राइट? सो एक्स के शादी में आपने बहुत अच्छा काम किया था, आपने वहां पे, आपने जैसे बताया कि आपके शहर में 30,000 तक पैकेज होती है, इस फाइन हो सकती है। 30,000 में आपने उस पैकेज को लिया था, आपने बहुत अच्छा काम करके दिया है। नेक्स्ट वेडिंग में जब आप अगर बोलोगे उन क्लाइंट, उस क्लाइंट को कि अभी तो एक्चुअली 40 हो गई है, आपके लिए मैं 35 कर सकता हूँ, दैट क्लाइंट विल नॉट डिनाई। व्हाई दे विल नॉट डिनाई? बिकॉज उनको पता है कि आप काम बहुत अच्छा करके देते हो, राइट? सो पैकेज बढ़ाना भी हमारा दायित्व है। हर साल क्या मतलब, देखो हर साल को आपकी पॉकेट की जो खर्च है वो बढ़ते जा रही है। आप तेल की दाम बढ़ रही है, खाने पीने के दाम बढ़ रही है, पर आपकी पैकेज नहीं बढ़ रही है, तो आप इंडस्ट्री कैसे लेके आगे बढ़ोगे? आप छोड़ दो, मतलब आपको नहीं कह रहा हूँ आयन, मतलब जितने भी लोग हैं यहाँ पे या फिर जितने भी लोग टाइप के सोच रखते हैं, लाइक यू शुडंट डू दिस जॉब बिकॉज आपका काम है कि हर साल आपको पैकेज को बढ़ाना हर साल। क्योंकि एक फ्रीलांसर ही मान लो कि एक फ्रीलांसर को आपने 3,000 रुपये दे के रखा है, वो कितना साल 3,000 में काम करेगा? उसको तो नेक्स्ट टाइम आपको देना ही पड़ेगा 3,500, 4,000, 5,000। आप समय के समय अगर इंप्रूव नहीं करोगे, कहने का मतलब आपको पैकेज नीचे ना लाके ऊपर की ओर ले जाने की ओर सोचना है। बहुत अर्जेंट समय है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है कि अपने अपने जगह पे आप इकट्ठा होइए और एक एक एसोसिएशन फॉर्म कीजिए, ये सारा चीजों पे डिस्कशन कीजिए, बहुत ही काम आने वाला है सामने। अदरवाइज सारे कंपनीज बंद हो जाएंगे और कुछ कंपनीज ही टिकेंगे जो लोग पूरे बिजनेस स्ट्रेटेजी को मान के चलते हैं। तो सर आई डेफिनेटली थिंक दिस मच फॉर टुडे आई गेस। ओके सो यू आर ऑल्सो, सर, आई थिंक वी कैन वी शुड रैप इट अप हियर। आपका बहुत ज्यादा समय ले लिया आज नो नो, तो इट्स फाइन इट्स फाइन इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है।